आई थिंक प्राग रीज़न जो था करने का बहुत सिंपल सा रीज़न था. उस टाइम एक्चुअली मैं बेरोजगार था. आई वॉज अनएम्प्लॉयड दैट टाइम बिकॉज आई वॉज नॉट गेटिंग समथिंग विच आई वुड लाइक टू डू. तो उस दौरान जब स्क्रिप्ट आई तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा रोल है जो काफ़ी कम समय में, मतलब कि एक ऐसा रोल जो आपको काफ़ी दिनों में कई बार एक ही बार मिलते हैं. बहुत कम ऐसे रोल्स लिखे जाते हैं. तो इट्स अबाउट स्किज़ोफ्रेनिया एंड ऑल्सो फिल्म वॉज बीइंग शॉट इन प्राग एंड आई वॉज प्लेइंग द लीड रोल इन दैट. तो ये पहली बार मुझे मौका मिल रहा था कि जहाँ पे मुझे ऐसा ऐसा था कि मेरा रोल कटेगा नहीं और मैं पर्दे पे लिखूँगा प्रॉपर और पोस्टर पे लिखूँगा. मेरी बड़ी इच्छा है कि हर एक्टर की इच्छा होती है कि आप एक फिल्म करो तो थोड़ा पोस्टर वोस्टर में जगह मिले. सो द रीज़न वॉज ऑल दिस रीजन्स इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. इट जस्ट इंट्रीग्ड मी एज एन एक्टर. कमीने हो या फालतू हो या डी डे बिग फिल्म्स एंड इन अ बिग फिल्म आई नॉर्मली गेट टू प्ले स्मॉल रोल एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इज़ अदर वे अराउंड वेयर इज अ स्मॉल फिल्म आई एम प्लेइंग अ बिग रोल. सो समटाइम्स आई विल प्रेफर दिस ऑल्सो वेयर आई एम गेटिंग अ बिगर रोल इन अ स्मॉल फिल्म एंड समटाइम्स आई सी स्मॉल फिल्म्स आई डोंट नो यू नेवर नो व्हेन इट बिकम बिग एंड That's the reason too, and it's also a right sort of balance to do both form of cinema, all kind of cinema. Because I don't consider any home cinema as art cinema or commercial cinema. Film has to be good and has to be made well, and people should like it. I think I've always sort of touch wood managed to get sort of critics nod for my performances. I remember Kamine, D-Day. Now Prague. So I think critically I have been acclaimed, but I have still not made a lot of money, and I still not have a film which has made money on my name, which is also a sort of distant dream. Prague जो एक ऐसी फिल्म है वो एक नए ज़माने की फिल्म है. ये जो यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं या जो थोड़ी सी फॉरेन फिल्म देखते हैं या जो थोड़ी अच्छी फिल्में देखते हैं या पुराने उन लोगों को ये फिल्म काफ़ी पसंद आएगी. और उसके बावजूद ये मैं सरप्राइज हुआ कि हमारी फिल्म एक्चुअली काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने खरीदी जो जनरली कुछ एक तरीके की फिल्में प्रेजेंट करते हैं. तो उन लोगों ने ये फिल्म प्रेजेंट की और काफ़ी उन लोगों को अच्छे खासे शोज दिए. तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इस फिल्म को मानते हैं कि वो एक रिस्क ले रहे हैं, लेकिन एक अच्छा रिस्क ले रहे थे. आई थिंक इट्स अ फिल्म विच इज मेंट फॉर एवरीबडी. आपको एक बार बस जाके देखना पड़ेगा. आई थिंक प्राग दिस फिल्म मे नॉट बी वॉच बाय मिलियंस नाउ, बट आई एम वेरी श्योर इट्स अ फिल्म लाइक विच विल बी वॉच्ड फॉर इयर्स. यू ऑलवेज कम बैक एंड यू फाइंड द डीवीडी लाइंग समवेयर, पीपल पिक इट अप एंड वॉच इट एंड दे फाइंड इंटरेस्टिंग. इट्स अ फिल्म विच इज मेड फॉर इयर्स टू कम. कांची और मैंगो. कांची जो है सुभाष भाई साहब की है और मैंगो अब्बास टायवाला साहब ने जो की जिन्होंने जाने के लिए जाना बनाई थी. और मैंगो में मैंने अब्बास सर तो बोलते हैं कि मैंने तोड़ दिया उसमें, मतलब कि वो आप फिल्म देखा आप हंस के पागल हो जाएंगे. मेरा किरदार जो मैंने किया है और बहुत इंटरेस्टिंग बोला. अगले साल फरवरी में रिलीज होगी, उसमें मैंने हंसाया है, मतलब बेतहा हंसा मेरा. माई विश लिस्ट में जो डायरेक्टर्स हैं जोया अख्तर हैं, दिवाकर हैं, अनुराग हैं, इम्तियाज हैं, मयरत्न हैं, आशीष गुवारिकर हैं. स्वदेश देखने के बाद मुझे काफ़ी इच्छा है. मुझे लगता है वो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाते हैं. मतलब चूल्हा अकबर में कुछ सीन्स जो उन्होंने शूट किए थे वो मतलब कमाल के थे. और मुझे लगता है आशुतोष गुवारिकर साहब ऐसे डायरेक्टर हैं जो बहुत समय लेके काम करते हैं. मुझे बड़ा पसंद है ऐसे हैं, काफ़ी डायरेक्टर हैं ऐसे. कहानी से ज़्यादा हिमांशु धुलिया बड़ी अच्छी फिल्में बनाते हैं. रिसेंटली उन्होंने जो फिल्म बनाई साहिब बीवी गैंगस्टर पहला वाला पार्ट जो था बहुत अच्छी फिल्म लगी थी. रॉक स्टार आई डोंट नो कि वो बहुत बड़ी फिल्म थी, लेकिन उनमें मुझे इम्तियाज साहब ने जो उनने उस फिल्म में जो एक कुछ था उस फिल्म में
काफ़ी लोगों को पसंद आई नहीं आई, लेकिन उस था उसमें तो ऐसे काफ़ी सिंगर हैं जो इस तरह की मुझे पसंद आए। आई थिंक कि ये तो चीज़ें अभी उन्नति और हो रही है और होगी इंशाल्लाह, और भी अच्छे अच्छे अभिनेता आएंगे और अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट निकल रही हैं, अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं, और आई थिंक आई एम वेरी होपफुल दैट ऑल ऑफ अस विल ग्रो एंड वी ऑल ग्रोइंग टुगेदर इन टर्म्स ऑफ मेकिंग गुड सिनेमा एंड इट्स ऑसम। आई थिंक इट्स द बेस्ट टाइम आफ्टर 50s, मतलब 50 के दशक में जो काम हो रहा था और फिर 50-60 में हमारी हिंदी फिल्मों में, उसके बाद अब मामला कुछ जमा है मुझे ऐसा लगता है। boxofficecaption.com, daily dose of box office and Bollywood.